नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ग्लेनका फियरलेस जूनियर सिरप के बारे में जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में कर सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस, कंटेंट, साइड इफेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, कृपया वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको ग्लेनका फियरलेस जूनियर सिरप के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 75 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और 60 ml की पैकिंग में आता है। फ्रेंड्स, इसको ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये सिरप आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो इसके कंपोजिशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें लिवोसाल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड और गुआइफेंसिन होता है। तो फ्रेंड्स, इसके प्रत्येक 5 ml में लिवोसाल्बुटामॉल सल्फेट जो कि 0.5 mg, एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड जो कि 15 mg और गुआइफेंसिन जो कि 50 mg में होता है। तो फ्रेंड्स, यह छोटे बच्चों के लिए होता है सिरप, जो कि 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में होते हैं। तो अगर बच्चे को खांसी आ रही हो या जुखाम हो गया हो या सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या सीने में बलगम जमा हुआ हो, तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सिरप है और बहुत ही जल्द बलगम को निकाल के खांसी को ठीक कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लिवोसाल्बुटामॉल सल्फेट होता है वह एक ब्रोंकोडायलेटर है, जो कि सांस नली और मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे कि सांस लेना आसान हो जाता है। एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड होता है, यह एक म्यूकोलाइट एजेंट है जो कि बलगम को पतला करता है, जिससे कि खांसी में आराम मिलता है और बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है। इसमें जो गुआइफेंसिन होता है, यह एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कि बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यह सिरप काम करता है, जो कि बहुत ही जल्द खांसी और बलगम से आराम दिला देता है। और आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच में है तो उसको 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, और बच्चा 2 साल से ऊपर 5 साल तक का है तो उसको 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 5 साल से ऊपर का बच्चा है और 10 साल के बीच में है तो उसको 5 से 7 ml या 10 ml तक दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें और डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ज़रूर ले लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि फ्रेंड्स, डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है, तो डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें और जितने दिन तक आपको डॉक्टर इस्तेमाल करने के लिए कहें उतने दिन तक इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि मुंह और गले का सूखना, पेट में दर्द होना, नींद आना, आलस आना, अपच होना, चक्कर आना या उल्टी होना या जी मचलाना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा हाथ पैरों में कंपन भी हो सकता है और कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को होते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो ये सब अगर साइड इफ़ेक्ट होते हैं या इसके अलावा भी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो इसको बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी ग्लेनका फियरलेस जूनियर सिरप के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।